हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फंडा विद पू. मैं हूँ पूजा और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 10 फैशन मिस्टेक दैट इंस्टेंटली रुइन योर लुक. बट डोंट वरी, आई एम हेयर बिकॉज आई विल टेल यू हाउ टू फिक्स देम. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स क्विकली जंप टू द वीडियो. क्या आप ये फैशन मिस्टेक्स कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट? ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारे पूरे लुक को ख़राब कर देती हैं. तो अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हैं तो स्टिक अराउंड दिस वीडियो एंड आई शेयर हाउ यू कैन एफर्टलेसली अवॉइड देम एंड लुक चिक एवरी डे. तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मिस्टेक नंबर 7 में मैं बताने वाली हूँ वो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हर कोई कर रहा है, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप भी वो मिस्टेक कर रहे होंगे. So by the end of this video, you will know how to elevate your style with just few simple changes. So let's get started. Mistake number 1, that is wearing wrong size. तो मतलब अगर हम कोई कपड़ा पहन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ढीला डाला है या फिर बहुत टाइट है तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लगेगा. तो आप हमेशा अपने मतलब क्लोथ्स को टेलर के पास जाके ऑल्टर कराइए उनको. अगर बहुत ज़्यादा ढीले हैं तो उनको टाइट कराइए, और बहुत ज़्यादा टाइट है तो उनको थोड़ा सा लूज़ कराइए. बिकॉज अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हैं दैट डोंट फिट प्रॉपरली तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है. और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आप साइज़ चार्ट ज़रूर से ज़रूर चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप कपड़े ऑर्डर करिए. अदरवाइज वो कपड़े ना मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं लगने वाले हैं. तो मिस्टेक नंबर 2, दैट इज़ इग्नोरिंग प्रोपोर्शंस. इमेजिन करिए किसी को आप देख रहे हैं जिसने बैगी टॉप पहना है और बैगी जीन्स पहनी है, तो वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा. मतलब दोनों ढीला डाला अगर रहेगा तो आपका पूरा बैलेंस ख़राब कर देगा. तो आपको ना क्या करना है, अगर आप टाइट जीन्स पहन रहे हैं तो आप लूज़ टॉप पहनिए, अगर लूज़ टॉप पहनना है तो टाइट जीन्स पहनिए. वो आपके लुक को मतलब बहुत ही क्लासी दिखाएगा और उसको ले जाएगा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोपोर्शंस का ध्यान रखें. मिस्टेक नंबर 3, दैट इज़ वेयरिंग टू मैनी कलर्स. तो अगर आप एक ही टाइम पे बहुत सारे कलर्स पहन लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगेगा और आपके पूरे लुक को ख़राब कर देगा और बहुत चीप दिखता है वो. तो आपको हमेशा फॉलो करना है 3 color rule. तो क्या करना है आपको कि अगर आपका जैसे आपने ब्लैक टॉप और वाइट बॉटम पहना हुआ है तो आप क्या करिए ना कि अपनी बैग और अपने शूज़ को मैच करिए. तो आपके जो 3 color ये रूल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है, आपके पूरे लुक एलिवेट कर देता है और बहुत ही क्लासी दिखाता है. तो आपको क्या करना है कि आपको बैग या शूज़ मैच करने हैं या फिर अपनी बॉटम और शूज़ को मैच कर सकते हैं. इस तरीके से ना आप अपने लुक को बिल्कुल बैलेंस रख सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है और आपके लुक को ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है. स्टेक नंबर 4, दैट इज़ आउटडेटेड ट्रेंड्स. तो अगर आप कुछ भी उठा के पहन लेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है. और अगर आप पुराना फैशन फॉलो कर रहे हैं तो वो अपनी वार्डरोब से बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए. आपको ये नहीं करना है कि आपको सारे ट्रेंड्स फॉलो करने हैं, बट आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो आप मिक्स एंड मैच करके पहने और वो कभी भी आउटडेटेड ट्रेंड्स नहीं होंगे. तो आपको इन्वेस्ट करना है स्टेपल पीसेस में. लाइक अगर आप वाइट शर्ट और ब्लैक बॉटम लेते हैं और उनको जो है आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, आप ब्लैक बॉटम को बहुत सारे कलर्स के साथ उसको ट्राई कर सकते हैं. टेक नंबर 5, दैट इज़ ओवर एक्सरसाइजिंग. तो अगर बहुत सारी एक्सेसरीज़ अगर आप पहन लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगता है और आपको बहुत चीप लुक देता है. तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा मिनिमल एक्सेसरीज़ पहननी है और आपको हमेशा याद रखना है कि दैट लेस इज़ मोर. तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट पीसेस में इन्वेस्ट करना है. अगर आप हैंडबैग ले रहे हैं या फिर नेकलेस है या फिर ईयरिंग्स है तो बहुत ज़्यादा मिनिमल होना चाहिए. तो आपके पूरे लुक को वो इन्हांस कर देगा और बहुत ही क्लासी दिखाएगा. सो मिस्टेक नंबर 6, दैट इज़ चूजिंग रॉन्ग अंडरगारमेंट्स. सो विजिबल ब्रा स्ट्रैप्स एंड अंडरवेयर लाइंस आपके पूरे लुक को ख़राब कर देती हैं. तो आपको ना मतलब इन्वेस्ट करना है सीमलेस अंडरवेयर में, और आपको एकदम राइट साइज़ की ब्रा भी लेनी है तो वो अच्छे से फिट हो जाएगी आपको और आपके लुक को बहुत अच्छा इन्हांस करेगी. और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉडी शेपर्स में, वो आपको लुक को बहुत ज़्यादा पॉलिश दिखाते हैं और बहुत ही मतलब सटल लुक आपको देते हैं. मिस्टेक नंबर 7, दैट इज़ नेगलेक्टिंग शूज़. तो अगर रॉन्ग शूज़ आप पहनते हैं तो आपके पूरे नाम आउटफिट के वाइब को ख़राब कर देगा. अगर आपने कैजुअल पहना है और आपने फॉर्मल शूज़ पहना है या फिर आपने फॉर्मल पहना है, और इमेजिन करिए आपने कैजुअल स्नीकर्स पहन लिए हैं और आप मीटिंग में जा रहे हैं या फिर किसी फॉर्मल जगह पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लगने वाला है.
तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप अगर कैजुअल पहन रहे हैं तो आप उसके साथ अच्छी सी स्नीकर्स पहन सकते हैं, अगर आप फॉर्मल पहन रहे हैं तो उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल शूज़ पहनने हैं, जिससे आपकी पूरी लुक को वो बैलेंस्ड रखेगा और बहुत ज़्यादा क्लासी दिखाएगा। मिस्टेक नंबर 8, दैट इज इग्नोरिंग ओकेजंस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड हैं या फिर किसी भी ओकेजन में अंडर ड्रेस्ड हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस फील होता है। तो आपको ना मतलब हमेशा ध्यान में रखना है कि आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस पहने या फिर जो भी आप सूट पहनते हैं या फिर जो भी आप पहनना चाहते हैं। तो अगर ओकेजन के को ध्यान में रख के आप अपने आप को एक्सेसराइज करेंगे और आप अपने पूरे लुक को इन्हांस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा और आपको भी आउट ऑफ प्लेस फील नहीं होगा। अगर आप कोई भी अच्छा सा सूट पहनती हैं, किसी लाइट फंक्शन में गए हैं और ओवर ड्रेस्ड हैं तो आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा मतलब जिस जगह पे जा रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने कपड़े पहने या फिर अपने आप को एक्सरसाइज करें तो वो ज़्यादा बेटर लगता है और आपको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और बहुत ही ज़्यादा वो आपके लुक को इन्हांस भी करता है। स्टेक नंबर 9, दैट इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू फैब्रिक क्वालिटी। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके फैब्रिक का जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल सा भी टॉप है और उसका फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फील देता है। तो आप हमेशा मतलब आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, ऐसे कपड़ों में इन्वेस्ट करिए दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन, वूल और सैटिन या सिल्क। तो सिल्क के फैब्रिक बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फील देते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे ड्रेसेस लेते हैं जो सिल्क की हैं या फिर सैटिन की हैं तो बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी जो फैब्रिक का क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो फैब्रिक का क्वालिटी अगर अच्छा है आपके मतलब सिंपल से कपड़े को वो बिल्कुल एलिवेट कर देता है, बिल्कुल स्टैंड आउट करता है और आपको मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। नंबर 10, दैट इज़ फॉरगेटिंग अबाउट द फिट एंड फील ऑफ एक्सेसरीज। तो इमेजिन करिए आपने कोई ऐसा नेकलेस पहना है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल है और आपको प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो आप हमेशा उसको ठीक करते रहेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, जिससे वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट आपको दिखाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा आप कहीं भी जाने से पहले अपने कपड़ों के साथ अपने मतलब एक्सेसरीज को भी टेस्ट करिए कि वो आपको प्रॉपरली फिट हो रहा है, आपको मतलब कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो आपको चुभ रही हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फील हो रहा है। तो आप हमेशा मतलब आप किसी भी चीज़ को ना प्री प्लान और प्री ट्रायल के बाद ही वो पहनेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप बार बार उसको ठीक करते रहेंगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं देगा और आप उसी को ठीक करते रह जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब राइट फिट के एक्सेसरीज पहने, उससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा क्लासी लुक दिखेगा और आपके बिल्कुल लुक को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। सो इनमें से कौन सी फैशन मिस्टेक्स है जो आपने की हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फैशन टिप्स एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट फैशन इज ऑल अबाउट फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।